जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे एक खोतिया, इधर उधर क्या घूम रहा है, कुछ तो बोल। अरे अब किस मुंह से बोलूं दीदा, ये 8-10 मुंह तो है नहीं तेरे, एक ही है, उसी से बोल, अब बता भी दे। अरे क्या बताऊं, सब तो बता दिया, आपका मान तो रही हो मेरी बात। अरे झूठ कैसे मान लूं मैं? ओहो दीदा, क्यों झूठ बोलूंगा मैं आपसे? तो तुझे पता दीदा, मेरा चेहरा देखिए, मेरी आंखों में देखिए, मेरे चेहरे की सुदास की कसम खा के कह रहा हूँ, वो लड़की अच्छी नहीं है, वो झूठ बोल रही है मेरे बारे में। अच्छा, इसका मतलब कि वो लड़की झूठ बोल रही है, तू झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और नहीं तो क्या, उसने मुझसे बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। अच्छा हाँ, और वो मुझे कह रही थी कि तुम मना कर दो, मैंने कहा भाई तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो तू मना कर रहा, मैं क्यों मना करूँ, इसमें क्या गलत किया मैंने? सही गलत क्या है ना, वो अभी पता चल जाएगा। घर पे ही है हम, अरे यहाँ मतलब लिविंग रूम में है, आप लोग आइए ना प्लीज। जी जी आ रहे हैं वो लोग, आइए। थैंक यू, आप लोग हमारे तुरंत बुलाने पे आ गए। दामिनी बेटा आओ बैठो। अच्छा हुआ आप लोग वापस आ गए, आइए आइए बैठिए प्लीज। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। लड़का लड़की दोनों सामने हैं। जी बिल्कुल, आप पूछिए ना। तो क्या लेंगे आप लोग, कुछ ठंडा गरम? ले लेंगे, पहले पूछ ले जो पूछना है वो। जी मम्मी जी पूछता हूँ। अब आइए आप लोग बैठिए ना प्लीज, आइए। तो आर्यन। जी अंकल। दामिनी यहाँ तुम्हारे सामने बैठ चुकी है, अब उसे ध्यान से देखो। मेरा मतलब है दामिनी को देखो और बताओ कि तुम्हें ये कैसी लग रही है। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे सवाल अच्छा लगता है किसी से पूछना क्या? बड़े हैं तुमसे, माँ बाप की तरह हैं तुम्हारे, और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। समझे, अब बताओ। बताओ ना। बताता हूँ, लेकिन बताना क्या है? कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ तुम कैसी लग रही हो? अरे खोते, तुझे बताना है कि तुझे दामिनी कैसी लग रही है। सॉरी, हाँ ठीक 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 नहीं मतलब ठीक नहीं, अरे मतलब अच्छी लग रही है। और ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर 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 डॉक्टर। और हम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे? अपर मिडिल क्लास से। ये बताओ तुम्हें एक लड़की में और क्या चाहिए? हाँ, किस बेसिस पे तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया? मना क्यों किया दामिनी के लिए? मैंने दामिनी, मैंने बताओ ना सबको सच। मैंने तो घर जाके सब सच बता दिया है। अरे तुम फिर वापस क्यों आए हैं सब? क्योंकि सच बता दिया इसलिए। क्या सच बता दिया? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम्हें मैं पसंद नहीं आई और तुम ये सब बता नहीं सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया सबको। ये मेरी ना आंख में कुछ चला गया है, वॉशरूम कहाँ है? ओह माय गॉड, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। मम्मा आप बैठो, मुझे लगता है मेरे राइट आई में कुछ चला गया है। क्या आप प्लीज मुझे वॉशरूम तक ले जाएंगे? प्लीज मैं लेके जाऊं। आर्यन ये जाना खोते, आओ कम। ये यहाँ पे है वॉशरूम, जल्दी से धो लो वरना और खराब हो जाएगा। तुम कैसे दोगी? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। हाँ क्यों पकड़ रहे हो मेरा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। What? इसका मतलब तुम झूठी के साथ साथ ड्रामेबाज भी हो? ड्रामेबाज किसे बोल रहे हो? हाँ मैंने ये सब इसके लिए किया ताकि मैं तुम्हें वार्न कर सकूं। वार्न? हाँ वार्न, खबरदार जो मेरी फैमिली के सामने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की तो। तुम्हारी इमेज? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भूल गई हो क्या? पहले तुमने मुझे मना किया शादी करने के लिए, मैंने नहीं किया है, उसके बाद पूरी फैमिली के सामने जाके ड्रामा भी किया, और अब तुम चाहती हो कि सारे ड्रामे का ब्लेम मैं अपने सर पे ले लूं? वाह रे वाह, आज की नारी, तुम तो मुझ पे ही भारी हो रही हो यार। तुम्हें भी तो मुझसे शादी नहीं करनी थी ना। हाँ तो? हाँ तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा कितना बैंड बज गया पता है? मेरी फैमिली मुझसे कितनी अपसेट है। अरे अगर तुम ये बोलते कि तुम्हें इस रिश्ते में नहीं आना है, मैं भी ये बोलता कि मुझे इस रिश्ते में नहीं आना है, तो सब ठीक रहता, लेकिन सारा ब्लेम मेरे सर पे क्यों? और अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो ही गया था, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो बोल देती ना कि हाँ पहले मैं रेडी नहीं थी, फिर मुझे लगा कि लड़का इतना भी बुरा नहीं है, एक बार और मिल लेते, क्या पता पसंद आ जाए। पर नहीं, तुम्हें तो सारी टोपी मेरे सर पे डालनी थी कि मैंने मना किया है। पसंद और तुम
ना, तुम मेरी पसंद कभी थे ही नहीं। अच्छा तो कौन है तुम्हारी पसंद, जरा बताना प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। रणबीर। व्हाट? रणबीर टाइप्स, और वैसे भी मेरा एक उसके जैसा ही बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बॉयफ्रेंड? अरे ये क्या झटके पे झटके दिए जा रही हो यार तुम, पर अगर तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम लड़कों के इंटरव्यू क्यों ले रही हो ऐसे? यार हम लड़कों की कोई इज्जत होती है, हम कोई साड़ी थोड़ी है, चार पांच ऑप्शन लेके चल रही हो तुम। जाओ जाके अपनी फैमिली को बोलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जाओ बोलो। इतना ही इजी होता ना तो कब का बोल चुकी होती मैं अपनी फैमिली को। मतलब मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं हमारे रिश्ते को, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। तुम्हें टाइम चाहिए इसलिए तुम मेरी जिंदगी में टाइम बम प्लांट कर रही हो। Wow! I am sorry madam, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में शहीद नहीं होऊंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस चक्कर में सारा ब्लेम अपने सर पे नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। जाओ अपनी फैमिली को बोलो से नो टू द वेडिंग। फाइन, लेकिन मैं तो बाहर जाके सबको यही झूठ बोलूंगी कि तुमने मुझे कहा है शादी के लिए मना कर दो, और अगर मैं ना करूं तो तुम बाहर जाके सबको झूठ बोल दोगे कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे किस तरह की लड़की हो यार तुम, तुम्हें तो डॉक्टर नहीं नेता होना चाहिए, साफ साफ झूठ बोल रही हो, शर्म भी नहीं आ रही। मैं ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में जाके बोल दूंगी, और वैसे भी मेरी फैमिली तो मुझे बहुत शरीफ सीधी भोली वाली समझती है, उनको तो मेरी बात पे फौरन विश्वास हो जाएगा। लो ये है शरीफ सीधी सादी भोली, अरे भ्रम में जी रहे बेचारे। चलो ठीक है, अब अगर बारिश और तूफान आई गई है ना तो इसमें रेन डांस कर ही लेते। चलो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।